This is Kumar Deepakanand, and today I am going to teach you acceptance speech written by Aung San Suu Kyi. Okay, Aung San Suu Kyi, born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. Aung San Suu Kyi का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था और वो एक मतलब प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, यानी कार्यकर्ता थी वो, ठीक है, और नेशनल लीग की लीडर भी थी फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, यानी कि बर्मा में, ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की वो नेता भी थी. शी ओन द राफ्टो प्राइज एंड द सखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990, यानी कि वे मतलब वो जो थी, ठीक है, वो राफ्टो प्राइज जीती और साथ में सखारो प्राइज जीती, ठीक है, किसके लिए, तो फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990 में जो स्वतंत्रता की मतलब थॉट थी उसके लिए, यानी कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हुई थी. द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, और 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है, यानी कि शांति पुरस्कार, नोबेल की शांति पुरस्कार इन्हें मिला. द एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि ये जो हम लोग अभी लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, गिवन हियर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू ची बाय हर सन अलेक्जेंडर एरिस ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो December 10, 1991. यानी कि जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मतलब कि दिया गया है, ठीक है, वो मतलब कि आंग सान सू ची के बिहाफ में, यानी कि उनके पक्ष में, उसके बेटे के द्वारा, जिसका नाम है अलेक्जेंडर एरिस, वो मतलब क्या है, भाषण दिया गया था, ठीक है, ये स्पीच दी गई थी कब, तो ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो, यानी कि ओस्लो एक जगह का नाम है, वहां पर नोबेल पीस प्राइज को जब मतलब दी जा रही थी अलेक्जेंडर उसको आंग सान सू ची को, तो उस समय उसके बेटे ने ये स्पीच दिया था उसी ओकेजन पे, December 10, 1991, यानी कि 1991 में. ओके, योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, ये मतलब कि अलेक्जेंडर एरिस जो है उसका बेटा ये बोलता है. ओके, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय मदर, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आपके सामने आज, तो मेरे माँ के पक्ष में, ठीक है, टू एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करने के लिए, उसकी मम्मी का नाम क्या है, आंग सान सू ची, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज, ठीक है, यानी कि प्राइजों का सबसे बड़ा प्राइज, ठीक है, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, वैसे मतलब कि दुनिया के सबसे बड़ी जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, बहुत ही मतलब कि ज्यादा पैसे मिलते हैं इसमें. बिकॉज सरकमस्टांसेज डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं मेरी माँ को परमिट नहीं करती, ठीक है, यानी कि उन्हें परमिशन नहीं है यहाँ पे आने की मेरी माँ को, इन पर्सन, यानी कि व्यक्तिगत रूप से. आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटीमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, यानी कि मैं मतलब उन सारे सेंटीमेंट्स को, उन सारी भावनाओं को मतलब कि अच्छे तरीके से मतलब क्या करूंगा, आपके सामने रखूंगा, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि ये मतलब कि शी वुड एक्सप्रेस, यानी कि वो ऐसा ही मतलब क्या एक्सप्रेस मतलब करेंगे, जैसे कि कहने मतलब ये है कि वो अपने मम्मी के पक्ष में मतलब कि यहाँ पे भाषण दे रहा होता है, तो बोलता है कि जैसा मम्मी यहाँ पे मतलब कि बोलेंगी, ठीक है, वैसा मैं भी यहाँ बोलूंगा, ठीक है. फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, यानी कि सबसे पहले, ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम मैं जानता हूं कि वह इस यह कहकर शुरू करेंगे, ठीक है, कि वह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, न केवल अपने नाम के फेवर में बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम पे. शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट टू ऑल दोज मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन हु
even as ISP continue to sacrifice their well-being, their freedom, their lives in pursuit of a democratic Burma. कहना मतलब कि वो मतलब कि कहती ठीक है कि यह जो नोबेल पीस प्राइज है ठीक है वह बिलोंग करता है ठीक है नॉट टू हर मतलब उससे नहीं बल्कि उन सारे आदमियों से ठीक है औरतों से और उन सारे बच्चों से इवन एज आई स्पीक जैसे कि मैंने बताया ठीक है ओके जो कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेलबींग जिन्होंने मतलब कि अपनी जान का ठीक है सेक्रीफाइस करने के लिए मतलब कंटिन्यू रहे मतलब कि अपनी जान को मतलब कि सेक्रीफाइस करते रहे बलिदान देते रहे देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता को मतलब कि बलिदान देते रहे एंड देयर लाइव्स अपने मतलब कि जीवन को मतलब कि बलिदान देते रहे इन परसूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा यानी कि बर्मा को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए ठीक है यानी कि प्रजातांत्रिक बनाने के लिए theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. यानी कि यह prize जो है उनकी है ठीक है और इन मतलब की और बर्मा की जो victory है वो भी क्या है उनकी है जो कि लंबे समय के struggle के बाद मतलब की वहां पर शांति मिली शांति के लिए मतलब 90 समय तक struggle किया गया था स्वतंत्रता के लिए और democracy के लिए यह सब क्या है उनका ही है स्पीकिंग एज हर सन उनके बेटे के रूप में मतलब कि बोलते हुए हाउ एवर आई वुड एड डैट आई पर्सनली बिलीव डैट बाई हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू हु द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकग्नाइज्ड ठीक है वो मतलब कि एलेक्जेंडर एरिक्स जो है उनका बेटा वो बोलता है ठीक है कि मैं उनके मतलब कि बेटे के रूप में मतलब बोल रहा हूँ ठीक है बोलते हुए मैं ये ऐड करूंगा ठीक है कि मैं पर्सनली ठीक है यानी कि व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि बाय हर ओन डेडिकेशन यानी कि उनके मतलब कि डेडिकेशन के द्वारा एंड पर्सनल सेक्रीफाइस और व्यक्तिगत रूप से मतलब बलिदान के द्वारा सी हैज बिकम टू बी अ वर्दी सिंबल यानी कि वह एक योग्य प्रतीक बन चुकी है ठीक है थ्रू होम जिसके मतलब कि द्वारा ठीक है जिससे होकर के द प्लाइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा यानी बर्मा के सभी लोगों की जो दुर्दशा है ठीक है मे बी रिकग्नाइज्ड यानी पहचाना जा सकता है ठीक है कहने का मतलब कि अगर हम लोग उनके बारे में मतलब जान लेते हैं ठीक है तो बर्मा के लोगों के प्लाइट यानी जो दुर्दशा थी ठीक है यानी कि जब वे गुलाम थे तो उनकी जो बदहाली थी वो भी हम लोग जान सकते हैं एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट और किसी को भी मतलब कि उस दुर्दशा को ठीक है अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए यानी कि अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम आंकना ठीक है कम समझना छोटा समझना ठीक है तो किसी को भी मतलब कि उस दुर्दशा को छोटा नहीं समझना चाहिए द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स यानी कि उन सभी की जो दुर्दशा थी यानी कि जो गाँव में रहते थे उनकी भी और जो शहर में रहते थे उनकी भी लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन वे मतलब गरीबी और मतलब की बदहाली फटहाली में रहते थे ठीक है दोज इन प्रिजन जो मतलब की जेलों में थे ठीक है बैटर्ड उन्हें मतलब क्या पीटा जाता था ठीक है एंड टॉर्चर्ड उन्हें टॉर्चर भी की जाती थी ठीक है द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल यानी कि नौजवान लोगों की जो दुर्दशा थी द होप ऑफ बर्मा की आशा डाइंग ऑफ मलेरिया इन जंगल्स और जंगल में जो मलेरिया से लोग मतलब मर रहे थे ठीक है टू विच दे हैव फ्लेड यानी कि जहां पे वे लोग मतलब क्या बहकर चले गए थे ठीक है बह गए थे बाढ़ आई थी तो ठीक है डेट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और उन सब को ठीक है जो कि मतलब क्या बुद्धिस्ट मॉन्क यानी सन्यासी थे जो बीटेन एंड डिसऑनर्ड और उन्हें मतलब क्या पीटा गया था और उन्हें मतलब कि उनकी बेइज्जती की जाती थी ठीक है मतलब कि ये सारा का सारा मतलब कि क्या है वहां के लोगों की दुर्दशा है ठीक है Nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother, ठीक है who are all incarcerated, यानी कि और ना ही हम लोगों को मतलब कि उन सारे मतलब बहुत सारे मतलब कि सीनियर को ठीक है यानी कि जो बड़े हैं और जो मतलब कि हाईली मतलब रिस्पेक्टेड है ठीक है जो लीडर्स हैं मेरे माँ के द्वारा यानी कि मेरे मम्मी के अलावा और भी मतलब कि बहुत सारे मतलब कि सीनियर और मतलब कि रिस्पेक्टेड यानी कि बहुत ही
रिस्पेक्टेड मतलब आदरणीय मतलब जो नेता है उनको भी मतलब क्या कहे थे, उनको भी मतलब कि इनकार्सिनेटेड यानी कि क्या मतलब कि उनको भी, उनका भी बुरा हाल था, उनको भी जेल में डाला गया था, उन्हें भी मतलब कि मारा पीटा गया था। इट इज ऑन देयर बिहाफ डेट आई थैंक यू, ठीक है, यानी कि मतलब उनके बिहाफ में, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम माई हार्ट मतलब कि अपने दिल से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर यानी कि इस मतलब कि उच्च सम्मान के लिए। कहने मतलब ये है कि हमें उच्च सम्मान मतलब कि उनको उच्च सम्मान मिल जाता है ना, मतलब कि सुप्रीम सर्वोच्च, ठीक है, यानी कि उन्हें पीस प्राइज मिल रहा था नोबेल की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्राइज है। द बर्मिज पीपल कैन टूडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटल हायर इन नॉलेज डेट इन दिस फार डिस्टेंस लैंड देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हीडेड, यानी कि बर्मा के लोग जो है ना आज उनका जो मतलब कि बर्मा के लोग जो है ना, ठीक है, वो आज उनका जो सिर है वे कुछ मतलब क्या थोड़ा ऊंचा मतलब कि रख सकते हैं। क्यों मतलब इस नॉलेज में कि इतने दूर और मतलब लैंड में भी, इतने दूर के में भी उनके सफरिंग को, इनके पीड़ा को मतलब क्या सुना गया और उन्हें मतलब क्या समझा गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब कि ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस स्पीच वर डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10, 1991, तो नहीं, यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, ठीक है, वो कब दिया गया था, तो दिसंबर 10, तो वो फॉल्स है। ओके, तो एफ होगा इसके लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सान सू ची, नो, वो आंग सान सू ची का बेटा था, ठीक है, ये रॉन्ग है। अलेक्जेंडर एरिस थैंक फ्रॉम हिज हार्ट फॉर हिज ऑनर, तो बिल्कुल हाँ ये मतलब क्या है, ये ट्रू है। Why had Alexander Eris accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother? तो मतलब ये है कि Alexander Eris जो था वो Nobel Peace Prize को मतलब क्यों accept किया अपने mother के पक्ष में, ठीक है, अपने बिहाफ मम्मी के बिहाफ में, तो क्योंकि उसकी माँ जो थी वो मतलब कि वहां पे नहीं आ सकी थी Nobel Peace Prize लेने के लिए, ठीक है, इसलिए उसने मतलब कि accept किया। उसकी मम्मी जेल में थी, ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ, because circumstances do not permit my mother to be here in person, okay, you can write that the mother of Alexander Eris was not able to attend this Nobel Peace Prize. Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? तो ये मिला था आंग सान सूची को, तो आप लिख सकते हैं आंग सान सूची वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। Who were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, तो कौन थे, तो मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, ठीक है, वी आर इनकार्सिनेटेड इन ए स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आगे पढ़ते हैं, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर डेट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन हैवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जरूर मतलब याद करना चाहिए कि अकेला जो स्ट्रगल है वह मतलब कि रंगून के हैवली गार्डेड यानी कि बहुत ही मतलब कि भारी वहां पर सुरक्षा थी मतलब कि, और वहां पे ये मतलब स्ट्रगल मतलब क्या टेक प्लेस लिया मतलब कि वहां पे हुआ, ठीक है, इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल यानी कि वह बड़े मतलब कि स्ट्रगलों का क्या है एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व स्तर पे, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पीरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, जो कि मतलब कि टायरनी तानाशाही और मतलब कि साइकोलॉजिकल मानसिक सब्जेक्शन से मतलब कि छुटकारा के लिए मतलब कि ह्यूमन बीइंग की इमेंसिपेशन यानी कि छुटकारा के लिए, ठीक है, उसके फ्रीडम के लिए मतलब ये क्या लड़ाई लड़ी गई थी। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी, यानी कि ये जो प्राइज है, ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब कि श्योर हूँ, ठीक है, आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर यानी कि ये क्या है कि इज्जत के लिए मतलब इज्जत की तरफ क्या होता है इंटेंट होता है ये,
ठीक है, ऑल दोज एंगेज इन स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल में जो कोई भी मतलब इसमें लगा हुआ था, एंगेज था, सबके लिए मतलब क्या है, ये ऑनर की बात है। वेयर एवर दे मे बी, जहां कहीं भी हुए मतलब कि हैं, ठीक है, होंगे, ठीक है, उन सबके लिए मतलब क्या है, ये एक सम्मान की बात है। इट इज नॉट विदाउट रीजन डेट टूडेज इवेंट इन ओस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि इट इज नॉट विदाउट रीजन, ठीक है, यानी कि यह मतलब कि किसी कारण के बिना नहीं है कि जो आज का जो इवेंट है, ठीक है, ओस्लो में, वो कब हो रहा है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही मतलब कि हुआ है, ठीक है, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि मतलब कि पूरे मतलब कि वर्ल्ड में यह मनाया जा रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन ही मतलब कि वो दिया गया था। मिस्टर चेयरमैन, ठीक है, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलोडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, यानी कि अब वो जो मतलब एलेक्जेंडर एरिस है वो बोल रहा है, ठीक है, कि चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, ठीक है, पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, वह आपके कमिटी के चॉइस की प्रशंसा करती है, अपॉइंटमेंट्स की प्रशंसा करना प्रशंसा की है, ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि आपने मतलब कि सही चुनाव किया है पीस नोबेल पीस प्राइज देने के लिए। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, यानी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ यूनैनिमस एंड हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेज दी शिलर स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उन्होंने मतलब कि एक यूनैनिमस मतलब एंड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, यानी कि एकमत, ठीक है, और ऐतिहासिक रेजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेज दिस शिलर, यानी कि वो वहां पर मतलब सचिव थे उस समय, मतलब उनका स्वागत किया गया, यानी कि सचिव कौन थे उस समय, जनरल जेवियर परेज दी शिलर, स्टेटमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, यानी कि इस अवार्ड के, ठीक है, महत्व पे, महत्व की स्टेटमेंट पे, ठीक है, एंड एंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, और उन्होंने मतलब कि बार बार जो है ना, ठीक है, ये अपील की मेरी मम्मी के लिए कि उनको मतलब डिटेंशन से, ठीक है, जल्दी ही मतलब कि मुक्त कर दिया जाए। ओके, डिटेंशन मतलब होता है करावास, यानी कि करावास मतलब रोक कर रखा गया था उनके मतलब कहीं, ठीक है, इसलिए वो मतलब नहीं आ पाई थी नोबेल पीस प्राइज को लेने के लिए। लेट इट नेवर बी सेड बाई फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के द्वारा ये कभी भी मतलब कि नहीं कहा जाएगा, डैट इनडिफरेंस, ठीक है, यानी कि जो मतलब कि इनडिफरेंस है, ठीक है, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस मेड अस फेल टू लिव ऑफ द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी कि जो इनडिफरेंस है, ठीक है, जो सिनिसिज्म है, ठीक है, और जो सेल्फिशनेस है, ठीक है, ये सब जो है ना, ठीक है, वो मेड अस फेल, यानी कि हम लोगों को असफल किया टू लिव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी कि ह्यूमनिज्म के आदर्शों पे जीने के लिए, ठीक है, विच द नोबेल पीस प्राइज एनकैप्सुलेट, ठीक है, जो कि नोबेल पीस प्राइज को कहता है एनकैप्सुलेट करता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आने वाली मतलब कि पीढ़ियां है, ठीक है, जो जनरेशन है, ठीक है, वो मतलब कि ये नहीं समझेगी, ठीक है, कि मतलब कि इनडिफरेंस, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस जो है ना, मतलब उनको जो उस समय के लोग थे उनको मतलब वो मतलब कि ह्यूमनिज्म के जो आइडियल्स को मतलब कि क्या पे जीने के लिए मतलब क्या वो फेल हो गए, ठीक है। लेट अस स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट, यानी कि हम लोग में से चलो मतलब क्या स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, और जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, ठीक है, वह मतलब क्या सही थे, ठीक है, सही हैं, व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वह मतलब क्या लंबे समय तक मतलब कि ट्रेजिकली बाउंड नहीं हो सकती, यानी बंध ही नहीं सके, बांध के नहीं रख सकते हम उसको, ठीक है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग की जो कही हुई बातें थी वो मतलब क्या सही हो रही थी, यानी कि सही साबित हो रही थी। ओके, व्हेन ही सेड
सॉरी बाउंड टू स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर, यानी कि रेसिज्म जातिवाद और लड़ाई की मतलब कि मिडनाइट में, जो स्टारलेस मिडनाइट में ठीक है वो मत वहां तक मतलब कि आप बंद ही नहीं रह सकते। कहने मतलब कि एक ऐसा भी मतलब कि दिन आएगा ठीक है, रातें आएंगे जहां पे मतलब कि किसी भी तरीके की क्या होता है कि क्या कहते हैं सीरिसिज्म नहीं होगा ठीक है, सेल्फिशनेस नहीं होगी, टायरनी नहीं होगा ठीक है। लेट अस एफर्ट्स ऑफ ऑल अस ठीक है, हम लोग चलो मतलब कोशिश करते हैं सभी लोग, प्रूव डैट ही वाज नॉट अ मियर ड्रीमर, यानी कि वही केवल ऐसा मतलब अकेला मतलब मियर मतलब अकेला ठीक है ड्रीमर नहीं थे, मतलब ड्रीमर मतलब सपना देखने वाले। व्हेन ही स्पोक ऑफ ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड, यानी कि जिन्होंने मतलब क्या वास्तविक मतलब की ब्रदरहुड की सुंदरता के बारे में बोले ठीक है, एंड पीस बीइंग मोर प्रेशस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड, और वो शांति को बताए कि वो मतलब क्या है वो डायमंड से भी और सिल्वर से और गोल्ड से भी मतलब क्या है ज्यादा कीमती है, प्रेशस मतलब कीमती। लेट अ न्यू एज डॉन ठीक है, थैंक यू, चलो हम लोग एक नए युग की शुरुआत करते हैं, धन्यवाद। यहाँ पे कुछ फिल इन ब्लैंक्स है, ये आप खुद कर लीजिएगा। ओके, व्हाई हैज होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलोडेड मिस्टर चेयरमैन, यानी मिस्टर चेयरमैन को पूरी मतलब की इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों मतलब की प्रशंसा की है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे है मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलोडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, यानी कि चेयरमैन को ठीक है उनकी कमेटी की चॉइस के लिए मतलब क्या पूरी जो इंटरनेशनल कमेटी है ठीक है वो मतलब कि प्रशंसा की है ठीक है। व्हाट इज मोर प्रेशस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, यहाँ पे इसका आंसर है ठीक है, तो यहाँ से आप लिखिए, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग मोर प्रेशस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे ग्लोसरी या नोट्स है, इसको देख लीजिए। मैजेस्टिस यहाँ पे ठीक है, मैजेस्टिस मतलब महाराज होता है ठीक है, यहाँ पे इसका दिया हुआ है मीनिंग। एक्सीलेंसिस का मतलब भी वही महाराज है, टाइटल है ठीक है दोनों। वेल बीइंग मतलब होता है वेलफेयर ठीक है, यानी कि कल्याण। उसके बाद है परसूट, परसूट मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ठीक है। और उसके बाद है इवेंचुअल मतलब होता है यह फाइनल यानी कि अंतिम ठीक है। वर्दी मतलब कि योग्य ठीक है। प्लाइट मतलब दुर्दशा बताया था कंडीशन। अंडर एस्टिमेट मतलब कि कम आंकना होता है, एस्टिमेट टू लो ठीक है। इनकार्सनेटेड मतलब इंप्रिजन होता है, जेल में डाल देना होता है ठीक है। हीटेड मतलब होता है ध्यान देना ठीक है, नोटिस करना। इमेंसिपेशन मतलब छुटकारा होता है ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकली या फिर लीगली फ्री होना चाहिए, सोशली पॉलिटिकली ठीक है। टायरनी मतलब होता है तानाशाही ठीक है, क्रूअल गवर्नमेंट क्रूअल्टी। सब्जेक्शन मतलब कंट्रोल होता है ठीक है। अपलोड मतलब प्रशंसा करना। यूनैनिमस मतलब होता है एकमत ठीक है। एंडोर्स मतलब टू कंफर्म, टू एक्सप्रेस फॉर्मल सपोर्ट फॉर समथिंग, कहने मतलब कि अपनी बातें कहना ठीक है, यानी कि अग्री हो जाना, सहमत होना। डिटेंशन मतलब वही चेक यानी कि रोक कर रखना होता है ठीक है। इनडिफरेंस मतलब कि अनकंसर्न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न ठीक है, इंटरेस्ट की कमी होना ठीक है, उदासीनता जिसको कहते हैं हम लोग। सिनिसिज्म यानी कि सरलीनेस है ठीक है। और एनकैप्सुलेट्स मतलब टू एक्सप्रेस और शो समटाइम समथिंग इन शॉर्ट वे, यानी कि छोटे मतलब कि तरीके मतलब शॉर्ट वे में मतलब क्या किसी चीज को व्याख्या करना ठीक है। स्ट्राइविंग ठीक है, यहाँ पे वन हु मेक्स अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि वैसे मतलब कि इंसान को कहते हैं जो मतलब कि किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा कोशिश करता है। थैंक यू, तो आपका लेसन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसको लाइक करना मत भूले ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ठीक है, धन्यवाद।